हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी में। तो बात करेंगे क्लास टेंथ की यानी कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 8। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा गया है। पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन खुद से पढ़ लें, ठीक है। इस क्वेश्चन में चित्र नहीं दिया है, फिगर नहीं दिया है, हमें खुद से बनाना है। पढ़िए, कह रहा कि समांतर चतुर्भुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। मतलब समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक आपको बनाना है, इसका ये मतलब है। तभी तो कहा है ना समांतर चतुर्भुज के बारे में, कह रहा कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर, यानी जो उसकी भुजा एडी है उसको क्या करा गया, आगे बढ़ा दिया गया यहाँ से, पर स्थित ई एक बिंदु है। यानी जो भुजा बढ़ाई गई यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक स्थित, जो मैंने लिख दिया। आगे कहता है तथा बीई या सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, मींस इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। जो ये भुजा है बीई, ध्यान से देखना, ये सीधा, ये सीडी को एफ पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो कह रहा सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए, क्या प्रूव कीजिए कि ये वाला जो ट्राइंगल है ना भैया, या फिर आप सी बी एफ मानो, चाहे जो भी, वो इनके क्या है, सिमिलर है बेटा, ठीक है। इनके का मतलब समझ रहे हो, ये बीच वाली लाइन अनदेखा कर दो, ऐसे समझ लो, ऐसे आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो है इसके क्या है, सिमिलर है। भाई सिंपल सी बात है, दिख भी रहा सिमिलर है, सिमिलर का मतलब क्या होता है, एक जैसे होना चाहिए, है ना। जैसे ये देखो दोनों इंक की बोतल एक जैसी है ना, ये सिमिलर है, लेकिन ये कांग्रुएंस नहीं है, ये कांग्रुएंस हो सकती है क्योंकि इनकी बनावट, दुर्दशा सब कुछ एक जैसी है, बल्कि कलर थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन इनके अंग समान है ना। चलिए, तो इसको हमें मिटाना नहीं फिलहाल, मैं आपको समझाने के लिए इसको मिटा दिया, वो अलग बात है, क्लियर। अब क्या करेंगे, हम हल करेंगे, दोनों ट्राइंगल ले लेंगे जिनमें जिनमें हमें प्रूव करना है। देखिए आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड सी एफ बी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई और हल मैंने लिखिए त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में, ठीक है। यानी इसमें पूरे में और इसमें जो मैंने अभी दिखाया, इन दोनों में क्या बेटा, एंगल ए इक्वल एंगल सी, एंगल ए इक्वल एंगल सी, ऐसा क्यों है, रीजन भी लिखना पड़ेगा आपको। कोष्ठक में लिख लो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, इंग्लिश मीडियम वाले लिख दें अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन हटा देता हूँ, वो समझ गया ना, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, आप लिख लेना हिंदी में, कहानी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, सम्मुख कोण लिख लेना, हिंदी थोड़ा गलत हो सकती है, लिख लेना, ठीक है, सम्मुख कोण, ओके। आगे देखो, एक चीज हो गया, देखो बेटा कोई भी ट्रायंगल समरूप है या सर्वंगसम है, इसके लिए हमें कई रूल फॉलो करने होते हैं, आपने देखा होगा पीछे, या तो इसके दो भुजाएं बराबर हो जाएं, या दो कोण बराबर दिखा दें, तो हम समरूप दिखा सकते हैं। एक एंगल तो बराबर हो गया, एक एंगल अगर और बराबर हो जाती है, समरूप हो सकता है। तो चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों एंगल में हम फिर से लेंगे। देखो बेटा इसमें एक चीज ये भी हो सकता है, जैसे एंगल ए एंगल सी के बराबर हुआ ना, इसमें एंगल एफ जो है एंगल बी के भी बराबर है, वो कैसे है, वो कैसे है? वो कैसे है, मैं आपको बताऊं, ये वाला भी नहीं, सॉरी ये से नहीं से आएगा, ये वाला भी, हाँ ये एफ तो ये बी, ये भी बराबर है, क्यों आप नीचे लिखो, मैं बताता हूँ, लिखो एंगल ए बी ई, क्या लिखोगे, ए एंगल इसका जो सी एफ बी, ठीक है, ये बराबर है, क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर, इंटीरियर मतलब अंता, लिखो एकांतर अंता कोण, एकांतर अंता कोण,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के नाते क्या ये दोनों भी बराबर है, यानी आपका जो F है वो भी B के बराबर है। तो बेटा ये दोनों बराबर हो गया ना, आप लिख सकते हो चूंकि AVE, चूंकि AVE और ऐसे लिख लो त्रिभुज लगा लो आगे, ठीक है, चूंकि त्रिभुज AVE और त्रिभुज CFV के दो संगत कोण मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है यानी बराबर है, अतः बोल रहा हूं उसे लिख लेना, या इसलिए या अतः लिखो, अब उसके आगे इसको लिखो जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, एंगल ए बी ई सिमिलर टू एंगल, ये सिमिलर का चिन्ह है, आप ऐसे बना लो, आपके बुक वगैरह में बना होगा, आप देख लेना, हाँ ठीक है, ये ऐसे बनता बेटा, ऐसे जानते हो आप स्क्रीन पे अगर देखो तो मैं आपको इसमें फिगर बना के दिखाया हूँ, आप देख लो यहाँ पे ऐसे बनता है थोड़ा सा ये ऐसे, हाँ इसके एंगल सी एफ डी के दोनों क्या है बराबर है, मतलब समरूप हो गए, क्लियर, ठीक है, रीजन क्यों लिख लो, हाँ तो लेकिन ऊपर बता ही दिया, आप समझ गए ए ए से, आई लिख लो ए ए एंगल एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है, दोनों क्या हुए एंगल एंगल बराबर हो गए, क्लियर, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं ना, अगर कमेंट करो अगर डाउट है तो, निसंकोच कमेंट करिए, मैं बताऊंगा, लिख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सामने साइड जल्दी करिए, चलो बेटा फटाफट, कोई डाउट है तो कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखाया गया है, हम हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले नीचे क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लें। प्रश्न कह रहा है कि आकृति 6.39 में, ऐसा बुक में दिया था इसलिए मैंने लिख दिया है, ये आकृति है वो 6.39 इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है आपकी बुक में, क्या दिया इसमें, कह रहा कि त्रिभुज एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं, कौन कौन सा, एबीसी यानी ये जो एंगल बी है ये भी क्या है समकोण है बेटा, ठीक है, एबीसी और एएमपी दोनों क्या है समकोण त्रिभुज हैं, जिनके कोण बी और बी समकोण हैं, सॉरी इसमें जो फिगर में लिखा गया वो गलत है बेटा, एक जगह बी होगा एक जगह पी होगा, वो सॉरी पी नहीं जगह यम होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कौन कौन समकोण है, एक बी समकोण है एक यम, जहां दोनों में बी भी लिखा है दो बी भी नहीं आनी चाहिए, एक बी की जगह पे यम होगा, ठीक है, ठीक है, प्रश्न में थोड़ा सा गलती है, तो जहां पर एक जगह देखो क्या है, जैसे इंग्लिश में देखो सही लिखा है, इसी में गलत है बस, ठीक है, जिनके कोण बी और यम समकोण त्रिभुज है, ये बी और यम क्या है समकोण त्रिभुज, जरा सिद्ध कीजिए कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो क्या है सिमिलर है इसके त्रिभुज ए एम, चलिए ठीक है बिल्कुल वेरी गुड, लिखिए 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 त्रिभुज ए बी और त्रिभुज ए एम पी में क्वेश्चन में हटा देता हूँ, ठीक है चलो आगे लिखो, इसमें देखो बेटा यम जो है वो बी के बराबर होगा, यम बी के बराबर क्यों होगा, आप लिखो यहाँ पर लिखो एंगल ए बी सी इक्वल एंगल एम पी के बराबर है क्यों, तो बोथ 90 डिग्री में लिख दो, दोनों समकोण हैं, दोनों क्या हैं समकोण है इसलिए क्या है दोनों बराबर हैं, है ना, दोनों क्या कंपेयर कर रहे हैं, इसमें यम समकोण है इसमें बी समकोण है इसलिए क्या है बी और यम दोनों आपस में क्या बराबर है, ठीक है, इसमें एंगल ए बराबर एंगल ए है बेटा, क्यों कॉमन है, किमें कॉमन है, साहब ये जो कोण ए है अगर तुम ए बी सी लेते हो ये त्रिभुज लेते हो या ए एम पी लेते हो इसमें दोनों में ए आता है ना, यानी ये क्या है कॉमन है, लिखो कॉमन एंगल, उभयनिष्ठ कोण हिंदी में लिख दोगे उभयनिष्ठ कोण, ठीक है, अब नीचे लिखो एक लाइन त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी, अरे ऐसे लिख लो ना यार, ये ऐसे नीचे लिखो ना, चूंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में
या फिर ऐसा ले लो के तो संगत कोण, संगत कोण, देखो बेटा संगत कोण को करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है, ये दो संगत कोण मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर है, बराबर है, अतः 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 क्या होगा, ऐसे लिखो त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज ए एम पी, यही तो करने को बोला था क्वेश्चन, फिर से देख लो ए एम पी को क्या करना था, इनको सिमिलर दिखाना, ये आपका फर्स्ट पार्ट था बेटा, ठीक है, ये क्या था फर्स्ट पार्ट था, हो गया डन, इसमें किसी को कोई प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, कितना लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप तो इसी पर आधारित है, पहले वाले हल पर ही दूसरा पार्ट आधारित है, कैसे जरा देखो भाई, जरा देखो, जरा देखो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल मतलब समरूप त्रिभुज के क्या है, ये सभी संगत भुजाएं हैं, इसलिए क्या आपस में बराबर है, दूसरा पार्ट वैसे सिद्ध हो गया, कैसे, देखो जो मैंने आपको सीपीसीटी पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट करिएगा, आपको सीपीसीटी का वीडियो मिल जाएगा जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट था, सीपीसीटी मतलब जानते हो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसके बारे में पढ़ाया, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, फिलहाल उसका मतलब कुछ और ज्यादा डिस्क्राइब था, ये इसमें आपको केवल थोड़ी सी जरूरत है आप समझ लो, अगर कोई दो त्रिभुज है जैसे ए और बी और सी और ए एम पी, बेटा ये दोनों अगर आपस में सिमिलर हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं वो आपस में बराबर होंगी, आप नीचे लिखो दूसरे वाले के लिए, मैं हटा रहा हूँ, ये लिखो आप दूसरे पार्ट के लिए, यहाँ पे लिखो सेकंड पार्ट में आपको वैसे लिखना है जैसे जो दिया है, डी ए अपान क्या प्रूफ करना था भाई, क्या दिया, ये लिखने दो क्वेश्चन फिर मैं दिखाऊंगा, डी ए ये बराबर किसके हैं, बी सी बराबर है एम पी के, ये सिद्ध करना था, इसमें कुछ करना ही नहीं, ऐसे लिख दो बस, लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, हिंदी मीडियम वाले लिख लो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, ठीक है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं ये बराबर होती है बेटा, याद रखना, ठीक है, ये त्रिभुज का रूल होता है, परमीय होता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, हम हिंदी में पढ़ेंगे कि मौले अपना इंग्लिश लिख लें और समझ लें, फिर हम इसका सलूशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की क्रमशः भुजाओं पीक्यू और क्यूआर तथा माध्यिका पीएम के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, तो दर्शाइए मीन्स प्रूव कीजिए ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल, समझिए जो ट्राइंगल है ये दोनों बने हैं ना अलग अलग, इनकी बनावट एक जैसे है, सब कुछ एक जैसे है, केवल नाम अलग अलग है। कह रहा है कि जो त्रिभुज ए बी सी है ये इसकी जो भुजाएं हैं कौन कौन सी, ए बी बी सी ये ए बी ये बी सी और माध्यिका जो ए डी है वो एक दूसरे त्रिभुज मतलब इसके की भुजाओं पी क्यू पी क्यू QR तथा माध्यिका ये PM के क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, ऐसा कह रहा है, ये दिया है ना, तो लिखो चलो भाई भुजा आप हल यहाँ पे लिखो A अपान, अब ध्यान दो AB के संगत इसमें क्या है PQ है ना, क्या जाएगा PQ, बोल समझना, अगला कौन सी भुजा बोल रहा है BC, BC मतलब नीचे वाली ये पूरी लंबी वाली, तो इसमें देखो QR है, माध्यिका AD ये क्या बराबर है, कोष्ठक में आप लिख लो दिया है, इसी में लिख लो गिवन, अभी मैं क्वेश्चन हटा दूंगा फिर दिखने लगेगा उधर साइड में, टेंशन मत, ठीक है, ये क्या दिया है, आगे क्या करेंगे, एक चीज देखो अगर ध्यान, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि जो ABC है पूरा का पूरा ट्रायंगल वो सिमिलर है पूरे के पूरे ट्रायंगल PQR के, यानी ये बीच की माध्यिका हटा दें तो ये पूरा त्रिभुज ये दोनों क्या है सिमिलर है, तो इनको सिमिलर दिखाने के लिए हमें इसमें स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, हमारे साथ साथ कर सकते, देखो भैया भुजा जो BC है बाबू इसको हम BD प्लस ये CD कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, या फिर ऐसा कर सकते हैं 1/2 भी कर सकते,
देखो मैं बताता हूँ, समझो, इसमें हम एक काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा 1/2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ पे समझना कैसे क्या बनेगा, ए बी अपान पी इक्वल, इसे हम कर देंगे 1/2 अपान 1/2 बार। इसको करने से क्या फायदा मिलेगा अभी समझना, इक्वल ये ए डी अपान पी तो ऐसे रहे। अब देखिए 1/2 BC, भाई 1/2 BC के बराबर क्या है, आप अगर ध्यान दो तो हम BD लिख सकते हैं, भाई इस BC का आधा BD है ना, तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगली लाइन में लिखो, आप लोग लिखो भैया ए अपान इक्वल BD अपान के आधा, ये QM लिख सकते हैं, हाँ QM लिख सकते हैं, सीधी सी बात है, भाई QR का आधा QM है, यहाँ पे लिख देंगे QM इक्वल ये AD अपान क्या है PM, तो ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ से समझना क्या है, क्या समझना, देखो समझो, जो त्रिभुज आपका है कौन कौन सा, समझो यहाँ से हमें क्या क्या दिखाना, पहले उसे समझो तब पूरी बात समझाएंगे। देखिए अब इसमें अगर आप एक चीज देखो ध्यान से, तो आपको मिल रहा होगा कि जो दो ये ट्रायंगल हैं ABD और PQM, ये दोनों सिमिलर सिद्ध हो गए। क्यों सिद्ध हो गए, आप अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर इनकी भुजाएं जो है आपस में, यहाँ पर एक बार बराबर दिखा दिया गया इनके माध्यम से, और एक बार इसमें अगर आप देखो ये भी बराबर हो गया AB, हाँ AB2, और ये BD जो है वो QM के और PM AD के, आप देख रहे हो ना। तो आप नीचे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, अगर ये आपस में इस तरह से बराबर हो रही तो हम नीचे लिख सकते हैं, ये दिख रहा है ना, ये लिखिए इसलिए, इसलिए ABC ऐसे लिखिए त्रिभुज AB, सॉरी सी नहीं ABD, भाई ABD ये ट्राइंगल इसके क्या है, सिमिलर है, ये प्रूफ हो गया, लिखो ये सिद्ध हो गया, सिमिलर टू ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा PQM, ये PQM ब्रैकेट में लिखिए बाई एस 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 साइड साइड साइड, ठीक है क्या हो गया। लेकिन हमें ये नहीं सिद्ध करना था, हमें तो पूरा का पूरा ट्रायंगल, ये पूरा का पूरा इसके सिमिलर प्रूफ करना था। अभी तो हमने इसका केवल थोड़ा सा ये आधा आधा प्रूफ करा है ना, जो बचा आधा है उसको भी कर लेते हैं। चलो इसको लिख लो जल्दी से, मैं सामने से हट जाता हूँ, आप लिख ली हटा देता हूँ, चलिए बहुत जल्दी करिए फास्ट, हो गया। अब हम आगे करेंगे इसको, ध्यान देना, अब आगे भी हल करना है, बिल्कुल जाना नहीं कहीं, चलिए अगर दिख रहा है तो मैं इसे आगे हल कर देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है अब लिखिए एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है, कौन कौन सा बी जो है ये एंगल बी एंगल क्यू के क्या बेटा बराबर है, क्या है क्यू के बराबर है, लिखो एंगल बी एंगल क्यू ब्रैकेट में लिखिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, लिखिए सभी त्रिभुज संगत भुजा, समझ में आ रहा ना मैं जो बोल रहा हूँ, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा लिख लोगे ना, ऊपर थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, मैं दिखा देता हूँ डोंट वरी, मैंने क्लियर लिख दिया है। इसमें थोड़ा सा आप लोग समझिए भाई, ये कोण है भुजा नहीं, ठीक है सॉरी, ये दोनों क्या है आपस में एंगल है, ये संगत कोण है समरूप त्रिभुज के, भुजा नहीं है, ठीक है क्लियर दिख रहा है ना, पूरा बड़ा हो गया ना। अब आगे क्या करना है, अब समझिए आगे क्या करना है, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, अगर आप पे जगह है तो ऐसे बना लीजिए, नंबर एक हो गया ठीक है। अब लिखिए त्रिभुज ABC और PQR में, ये पूरा पूरा त्रिभुज, हाँ नीचे लिखिए AB त्रिभुज PQ, देखिए इसमें हम एक काम कर सकते हैं, पूरे पूरे अगर हम त्रिभुज में ले रहे हैं तो हम एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर कर सकते हैं, जो कि पहले से भी हमने किया है, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू रिकॉर्ड में लिख दीजिए समीकरण एक से, ठीक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम इसको ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उतना ही दिया है, इसलिए मैंने क्या किया उसी के साथ इसको लिख दिया। अब एक चीज ध्यान देना, जो एंगल बी है यहाँ पे है ना, यहाँ से एक भुजा जा रही है बी और एक भुजा जा रही है बी डी, जा रही कि नहीं भाई, बी दोनों तरफ को जा रही ना, इसको टच करते जा रही, मतलब क्या है जा रही कि नहीं जा रही, पहले ये बता मुझे, बी से क्या है ए बी, हाँ
तो एक काम यहाँ पे आप एक काम ये कर सकते हो कि ए बी अपान पी क्यू कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये संगत भुजाएं हैं। लिखो पी अपान ए बी। उसी तरह से अगर एंगल क्यू में देखो आप, तो इसमें क्या है, पी क्यू है कि नहीं? और इसमें क्या है, एक बी सी भी है। हाँ, क्या है, बी सी भी है। बी सी कहाँ है, अब मुझे ये बताओ पहले। देखो यहाँ से थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा सा समझना है, समझना। देखिए कुछ लोग जो कन्फ्यूजन में होंगे, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ चल के, समझिए। एंगल बी की जगह पे हम ए बी अपान पी क्यू क्यों लिख सकते, कैसे लिख सकते, आपको पता है? आप यहाँ से देखो एंगल बी ये है ना, एंगल बी की एक भुजा है ए बी, पता है ना, कोण बी पर एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी है, इसी तरह से पी पर एक भुजा पी क्यू है, एक क्यू आर है। अगर हम ए बी लें, तो आपने स्टार्टिंग में देखा था, ये देखा था कि नहीं बताओ, ये क्या है आपस में, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है ना आपस में। तो अगर हम इन्हीं एंगल और इन्हीं भुजा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं सेम टू सेम, क्या बी सी अपान क्या पी क्यू आर, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे हो ना, इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। आप समझ में आ गया सबको, इसको छाप लो जल्दी से, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, कोण बी तथा कोण की सी की संगत भुजाएं, लिख लीजिए कोण बी तथा कोण क्यू की संगत भुजाएं क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। सभी को क्लियर, कोई डाउट नहीं, नो डाउट। चलिए अब हम कह सकते हैं, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो शुरू से, यहाँ पर जो सभी साइड थी वो क्या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल दी गई है, यहाँ पर शुरू से आपने पढ़ लिया है। उसके बाद इसमें एक चीज़ आपने और भी पढ़ा, अभी नीचे अगर हम पढ़ें, यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, ये भी यहाँ पर पढ़ा कि जो ए बी है वो पी क्यू और बी डी क्यू एम और ए डी पी एम के क्या है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल है ना। तो इसलिए अगर आपका ये ट्राइंगल क्या आपस में सिमिलर हैं, और फिर से यहाँ पर लास्ट में आकर के आपका ये कोण भी बराबर है, दोनों तो सिंपल सी बात है, क्या हो गए, समरूप हो गए, ठीक है। आप लिख लीजिए, अतः एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सिमिलर टू एंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे, बिल्कुल टेंशन मत, ठीक है। कैसे, किस रूल से हुआ है, एस ए एस, कौन से रूल से बेटा, एस ए एस। मैं अभी थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ, आप लोग लिख लो इसको पहले तब, ठीक है, डिटेल में समझा देता हूँ कि यस ए एस का मतलब साइड एंगल साइड रूल से ये बराबर हुआ है, ठीक है, साइड एंगल साइड रूल से सिंपल। देखिए इसमें कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा अगर कि यस ए एस कैसे लगा, तो देखो बेटा यहाँ पे यस ए एस इसलिए लगा क्योंकि जो आपका ये लास्ट में प्रोपोर्शनल हो रहा है दोनों साइड है ना, ए बी पी क्यू के और बी सी क्यू आर के, तो यहाँ से दो साइडें आपस में क्या हो जा रही, बराबर हो जा रही, समानुपाती, मतलब दोनों त्रिभुज की दो दो भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं, और एक कोण भी बराबर मिल गया, यानी दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं भाई यस यस ए तो होता नहीं कुछ, ए एस ए एस लगा है, ठीक है, समझ में आया। फिर भी कोई डाउट है तो बताइए, और हाँ वीडियो को दो बार देखिए, तीन बार देखिए, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है बच्चा, लिख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए नोट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने पी वी आर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया तुरंत सब्सक्राइब, ठीक है, फटाफट देर मत करिए, पूरा कंप्लीट कोर्स कम समय में पढ़ने के लिए आप पी वी आर स्टडी ऐप इंस्टॉल करिए, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, और कम समय में एक आपके लिए हम स्पेशल क्रैश कोर्स भी ला रहे हैं, नीचे व्हाट्सएप पे नंबर पे आप क्रैश कोर्स लिख के और अपना नाम, क्लास और जिले का नाम आपको मिल जाएगा, एक कंप्लीट कोर्स बेहतर तरीके से बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक।